दोस्तों, प्रमुख समाचारों को देखने के बाद दिव्य शंखनाथ की विशेष रिपोर्ट देखना न भूलें। कैसे हो रही है जिला मुख्यालय पर स्वच्छता अभियान की ऐसी की तैसी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाथ। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। आइए दोस्तों, भाद्रपद चतुर्दशी के श्री जी के दर्शन करते हैं। आज आभरण श्रृंगार सब ऐच्छिक होते हैं। वस्त्र मल्लकाश टिपारा लाल केसरी लहरिया के, ठाड़े वस्त्र श्याम पिछवाई मल्लकाश टिपारा के भाव की दान की आती है। आभरण सभी हरे मीना के, श्रीकंठ के, श्रृंगार छेड़ान के भारी श्रृंगार आता है। कमल की माला धराई जाएगी, टिपारा का साज आएगा, छोटी जी नहीं आती। कल मंगला के दर्शन 5:45 बजे खुलेंगे। राजस्थान सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश श्री जी के दर्शन करने के लिए देर शाम नाथद्वारा पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को राजसमंद जिला क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आज नगर के अधिकांश गणेश पंडालों में 56 भोग के मनोरथ हुए। कल अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन होगा। यदि आपको पुष्टि सेवा प्रणाली का के शिला स्वरूप तैयार करवाने हैं तो संपर्क करें श्री अलौकिक पुष्टि सेवा स्वरूप और साज्य साहित्य वल्लभपुरा श्रीनाथ द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत योजना तथा सार्वजनिक संपत्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है हमारे जिला मुख्यालय पर, देखिए इस रिपोर्ट में। यह जो बोर्ड आप देख रहे हैं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजसमंद का, इसे भी लोगों ने निजी पैसे से बनवा कर लगाया है। यह ठीक जिलाधीश के कार्यालय के पीछे स्थित है। राजसमंद शहर के बीच में एकमात्र स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र है। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी जी के कार्यालय एवं यहाँ की विधायक किरण माहेश्वरी के कार्यालय के बहुत नज़दीक है। राजसमंद के मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा जनता की आसान पहुँच में है। राजसमंद मेडिकेयर सिविल सोसाइटी राजसमंद किशोर नगर के अध्यक्ष श्री दिनेश सनाडे एवं सचिव श्री रविनंदन सिंह चारण ने हमें बताया कि आज उन्होंने इसके संबंध में सांसद दिया कुमारी जी के कार्यालय तथा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिसर में अनाधिकृत वाहन 24 घंटे खड़े रहते हैं, जल जब भराव की समस्या है, 5 वर्षों से शौचालय नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां शौचालय देश भर में बन रहे हैं, वहां पर इस सार्वजनिक चिकित्सा संस्थान में भी शौचालय नहीं है, शोचनीय बात है। सरकारी संपत्ति है, रखरखाव नहीं है, इसकी हालत क्या है आपको दिख रही। जब दिव्य शंखनाथ की टीम इस अस्पताल के परिसर का अवलोकन करने गई तो हम आश्चर्यचकित रह गए। यह जो आप देख रहे हैं, यह बहुत अंदर एक वार्ड में बना हुआ शौचालय है जो ताले में बंद रहता है। ताले में बंद रहने के बावजूद इसकी स्थिति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं है, भयानक दुर्गंध है, ताले लगे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी भी इनका उपयोग नहीं कर पाते। इतनी बदतर स्थिति में होने के बावजूद भी यह शौचालय ताले में बंद रहता है। जब हम गए तो हमने ताला खुलवा कर इसका अवलोकन किया। हमने अवलोकन किया तो वापस इसको ताले में बंद कर दिया गया। एक दूसरा शौचालय भी यहाँ पर स्थित है, उसका भी अवलोकन किया तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है। यह पूर्ण रूप से भरा हुआ है, सड़ा हुआ है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, आप देखिए इसकी स्थिति क्या है। यह हमारे आपके पैसे, कर के पैसे से बनी हुई एक सार्वजनिक संपत्ति है, चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संपत्ति है, शहर के बीचों बीच है, जिला मुख्यालय में है। आप सोचिए इसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, जो भी है स्थिति को सुधारना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, दुनिया भर का पैसा खर्च करती है सरकार, क्यों नहीं संभलती। सुनिए जनता की आवाज़। ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें पहले जिला चिकित्सालय चलता था, और जिला चिकित्सालय के बाद प्रशासन ने जब आर के जिला चिकित्सालय बना तो यहाँ से सारी व्यवस्था CSC सुविधाएं थी उसको ख़त्म करके, और ये सारी व्यवस्था जो जनता के द्वारा सामान था वो भी आर के लेकर चले गए। लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाथरूम की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और न यहाँ कोई मरम्मत की व्यवस्था है, और इस हॉस्पिटल में किस तरह का कोई बजट नहीं आता है। आर के जिला चिकित्सालय शौचालय व्यवहार करता है कि जब जब जरूरत पड़ती है तो वो हमारे यहाँ का जो RMRS का पैसा था वो भी वहाँ जमा कर लेते हैं। इस तरह से जनता इतनी परेशान है, शहर के बीच में हॉस्पिटल होने के बावजूद जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है।
इतनी बदतर स्थिति के बावजूद भी नगर के लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले का यहाँ बैठता है, जिला कलेक्टर बैठते हैं, कृपया ध्यान दें और इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान सरकार में महिला एवं विकास, जन अभियोग निराकरण तथा अल्पसंख्यक एवं वक्फ मंत्री ममता भूपेश आज देर शाम नाथद्वारा पहुंची। यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री देवकी नंदन गुर्जर के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस ने उनका स्वागत किया। इनमें नगर कांग्रेस अध्यक्ष रमेश जैन के साथ में धर्मेंद्र पालीवाल, कमलेश पालीवाल, राकेश सेन, घनश्याम सनाट्य सहित महेंद्र गोरवा आदि अन्य कार्यकर्ता भी साथ में शामिल थे, जिन्होंने एकलाई उपरना उड़ाकर नाथद्वारा पद्धति से उनका स्वागत किया। बाद में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपलिफ्ट करने का, उनको फैसिलिटेट करने की योजना है, जिसमें आंगनवाड़ियों को नए तरीके से आधुनिकीकरण उनका किया जाएगा। साथ ही जो पोषण माह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, सितंबर का महीना, मैं अपील करना चाहूँगी कि कुपोषण से लड़ने के लिए हमारा सबका साथ पूरा सोसाइटी दे, क्योंकि सिर्फ सरकारें या फिर सिर्फ विभाग ही कुपोषण से लड़ाई नहीं लड़ सकता। कुपोषण से लड़ने के लिए हम सबको एक गठजोड़ के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य जो है बच्चों का, अगर वो बच्चे कुपोषित रहेंगे तो हम राजस्थान को एक नई दिशा नहीं दे पाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस की, जो आप घरेलू हिंसा की बात कर रहे हो, उसके प्रति सरकार बहुत चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को ध्यान में रखते हुए 6th class से लेकर 12th class तक की बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल में अनिवार्य की है। यदि आपको पुष्टि मार्गीय सेवा के बर्तन, खिलौने आदि की आवश्यकता है तो संपर्क करें। शुभम जेम्स एंड ज्वेलर्स, प्रीतम पोल, खेड़ा देवी के पास, श्रीनाथ द्वारा। आइए अब गणपति दर्शन करते हैं। चल घूमने चलिए। हाँ जी, हाँ जी, घर के बाहर हूँ, देखिए आजा। ओके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखला। अब मैं भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, तरुण दवे, कैलाश पालीवाल के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद। Thank you.